आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230030 पर मिस्ड कॉल करें। उत्तराखंड राज्य की स्थापना को आज 23 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर खटीमा के उपजिलाधिकारी रविंद्र विश्व ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ के अवसर पर खटीमा के उपजिलाधिकारी रविंद्र विश्व ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस अवसर पर प्रदेश के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सारे उत्तराखंड वासियों को बधाई देता हूं और नमन करता हूं उन सब अमर शहीदों को जिन्होंने हमारे राज्य को बनाने में बड़ा योगदान दिया। आज हिंदुकारा द्वारा और हमारे नगर पालिका द्वारा और हमारे जितने भी सेलों जो हैं यहाँ के प्रतिमा के उन्होंने यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और मैं सब आप लोगों को बधाई देता हूँ। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका खटीमा दीपक शुक्ला ने सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि इस अवसर पर नगर पालिका ने गृह कर में छूट देने का ऐलान किया है। आज हमारा राज्य स्थापना दिवस है, सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में नगर पालिका परिषद खटीमा द्वारा हमारे क्षेत्र में निवासरत समस्त राज्य आंदोलनकारी को गृह कर में छूट दी गई है, जिसका पालिका बोर्ड में प्रस्ताव किया जा रहा है। इसी के साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित नगर पालिका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उनको गृह कर माफ किया गया है, तथा ऐसी निराश्रित विधवाएं जिनके कोई पुत्र नहीं है और कमाने वाला कोई नहीं परिवार में, ऐसी विधवा महिलाओं के लिए भी गृह कर में छूट प्रदान की गई है। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारी रामू जोशी ने कहा कि उत्तराखंड अपनी जवानी की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में उत्तराखंड देश का सर्वोपरि राज्य बनेगा। हमारा जो राज्य स्थापना दिवस की आज हम 23वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ये हमारे परम सौभाग्य का विषय है कि आज उत्तराखंड अपनी जवानी की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे जो हमारे इस प्रदेश के लोग हैं उनको धीरे धीरे अब लगने लगा है कि हाँ, हमारा जो उत्तराखंड है वो प्रगति के पथ पर है, क्योंकि हमारे जो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों के द्वारा जो उत्तराखंड को 21वीं सदी में पूरे देश में नंबर 1 पे पहुंचने का जो लक्ष्य रखा गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड इस देश का सर्वोपरि प्रदेश होगा। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस, 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230030 पर मिस्ड कॉल करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।